प्रणाम सर मैं हूँ अनिमेश मिश्रा टीम डेटा क्लैन से और हम है बी आई टी मिश्रा रांची से आ, हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट डीप लर्निंग बेस्ड साइक्लोन इंटेंसिटी फ्रॉम अनिमेश आप इनसे कहा हूँ बी आई टी मिश्रा रांची झारखंड अच्छा। सो so, हम सभी जानते हैं कि साइक्लोन जो है काफी क्षति पहुंचाती है मैनकाइंड को इसको ठीक ताकि इसकी क्षति कम हो

of the state of the art techniques what we are doing is we are taking some ready satellite images and uh, mapping using deep learning we are mapping these satellite images with their corresponding intensities uh, with this application with this process what we are doing is uh, we can uh, actually uh, we can actually estimate what would be the maximum impact of these cyclones so that we can take early action What could be the, where could be the landfall, where, what would be the trajectory of cyclones and what would be the uh, destruction that would be caused by these cyclones? And this would could easily be early predicted and be used by other. अनुमेष uh, अनुमेष uh, आप आप जो इस पर काम कर रहे हैं एक तो कब से काम कर रहे हैं अब तक कितने साइक्लोन को मॉनिटर किया है और एक्यूरेसी का लेवल क्या है? सर बिल्कुल हमने साइक्लोन जो है सिंस इनसेट थ्री डी डेटा से ले रहे हैं तो हमने सा, आ, उन, सा, उन साइक्लोन्स को लिया है जो 2014 के बाद इंडियन कोस्ट लाइन को हिट कर रहे हैं एंड हमारा जो एक्यूरेसी है वो 80 89 के परसेंट के आसपास है सर अच्छा अनिमेश क्या आपके अल्बोरिज्म तो, के लिए आपको पर्याप्त तो डेटा मिल गया है क्या क्योंकि अल्टीमेटली बिना डेटा तो आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते जी सर बिल्कुल हमें डेटा दे, थोड़ा कम मिला है बट सर हमने और तकनीकी यूज़ की है ताकि इन कम डेटा में भी हम पर्याप्त आउटपुट दे सकें और एक्यूरेसी दे सकें सर इसके अलावा हमने एक वेब एप्लीकेशन भी डेवलप किया है तो जिसमें कि हम सारे उन फीचर्स को दिखा रहे हैं साइक्लोन के जो ज़रूरी हैं एंड जो देखकर जो जिसकी फोरकास्टिंग के मदद से इन बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग अप्रोप्रियट एक्शन ले सके सर एंड उसके अतिरिक्त हम साइक्लोन की पाथ बताते हैं और कहाँ ट्रेजेक्ट्री हो रही है साइक्लोन की ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उस वेबसाइट पर देते हैं इसके अलावा आ, इस इसके अलावा हम विंड पैटर्न के बारे में भी बताते हैं उस वेबसाइट पर चलिए अनिमेश आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई